हाय मूवी शुभियन, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मैं सोच रहा था यार, ये लाल सिंह चड्ढा साहब का क्या हो रहा है, रक्षाबंधन का क्या हो रहा है, क्या इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? काफ़ी देर लगी मुझे नंबर पता करने के लिए आज। पहले तो मेरा मन था कि मैं शाम तक दे दूँ, मैंने आपको कल बोला था कि शाम तक दूंगा, बट नंबर कन्फर्म ही नहीं हो रहे थे। फिर जब नंबर कन्फर्म हुए तो फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही नंबर हुआ है, तो मैंने कहा यार दोबारा चेक करो। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के क्या नंबर बिल्कुल रॉकेट लग गए हैं, या फिर बिल्कुल रुक गए हैं, और रुक गए हैं या फिर उड़ गए हैं, तो उसके रीजंस क्या हैं। तो लाल सिंह चड्ढा सबको पता ही है, फॉरेस्ट गम का एक अडेप्टेशन है जिसमें नागा चैतन्य और आमिर खान बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, और मेन लीड में आमिर खान है। इसका कल तक जो कलेक्शन हुआ था वो करीबन हुआ था 2.5 करोड़ रुपये, और आज ये मिनिस्कुल सा बढ़ के आमिर खान की मूवी के लिए 3.1 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। और मुंबई में इसकी जो कलेक्शन कल 27 लाख पे क्लोज़ हुई थी वो 36 लाख पे क्लोज़ हुई है। एनसीआर के अंदर 27 लाख हुआ था तो अब 36 लाख हो गया है। एनसीआर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा जंप नहीं आया, जो मैं काफ़ी टाइम से एंटिसिपेट कर रहा था। 41 लाख किया था उसका 52 हुआ, क्योंकि एनसीआर काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब दिल्ली भी आता है इसके अंदर, हरियाणा भी समझ लीजिए कि गुड़गांव आता है, फरीदाबाद आता है, गाज़ियाबाद आता है, ये सारे एरियाज इसके अंदर आते हैं। तो जो जंप मैं एंटिसिपेट कर रहा था वो उतना ज़्यादा हुआ नहीं, और पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर में लगभग 18 लाख रुपये का इसने एडिशन किया है। तो ये जो स्टॉपेज लगी है आई थिंक थोड़ी नेगेटिविटी की वजह से लगी है, कुछ रीमेक की वजह से लगी है, कुछ आमिर खान की जो अपोलॉजी की लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कर लो, वो तो हिंदुस्तानी, अगर हिंदुस्तानी का दिल दुख रहा है तो भाई माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो, वो भी नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा स्टॉपेज सा लग गया। बट एनी वेज, जो इसका ये हिंदी वर्जन था मैंने आपको बता दिया, तेलुगू वर्जन के अंदर 3.44 लाख की बुकिंग हुई है और तमिल वर्जन के अंदर 2.5 लाख रुपीज़ की बुकिंग हुई है। अब चलते हैं रक्षाबंधन के ऊपर, क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, क्या कुछ हुआ है। तो रक्षाबंधन वैसे तो टॉपिक बहुत अच्छा है, और पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं रक्षाबंधन पहले देखना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई को बताता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। आज भी भाई या फिर बाप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी बच्चियों को सच में सेटल करने के लिए कहीं पर, और उसके पीछे क्या परिस्थितियाँ होती हैं और हमें क्या चेंज करना है, वो ये मूवी हमें बताएगी। तो कल 1.81 करोड़ क्लोज़ किया था और आज हो गया 2.1। मुंबई के अंदर कल 28 लाख रुपीज़ की बुकिंग हुई थी, अब हुई है 30। एनसीआर में थोड़ा सा इंक्रीज आया है, जो 29 लाख था कल वो 30 हो गया है। पुणे में ना के बराबर हुआ है, 9 लाख था वो करीबन 10 लाख हो गया है। और हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर में लगभग 9.5 से 10 लाख रुपये की बुकिंग हुई है, और बाकी फिर लॉन्ग टेल होती है। तो दोनों मूवीज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, जो मैंने एंटिसिपेट किया था कि एक दिन पहले तक यानी 10 की रात तक लगभग लाल सिंह चड्ढा में हम देखेंगे कि डबल डिजिट तक क्रॉस कर रहा होगा, 8 to 10 करोड़। और मेरा जो मानना था कि 6 से 7 करोड़ रुपए होना चाहिए रक्षाबंधन का, ताकि इन दोनों मूवीज़ को 25 और 15 के आसपास की ओपनिंग लगे, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सेंटिमेंटल हो गए हैं कि जब तक हमें क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी, या फिर वो कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि यार अभी थोड़ा थांबो, जब तक हमें फर्स्ट रिव्यू नहीं मिल जाता तब तक हम थिएटर्स के अंदर नहीं जाएंगे। सो लेट्स सी क्या सही बात है, सबसे ज़्यादा क्या ये इशू है कि आमिर खान ने माफ़ी नहीं मांगी है, क्या ये इशू है कि बॉलीवुड को बॉयकॉट ही करना है, ये इशू है, तो चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे कोई गड्ढा हो, जो भी हो वो उसको करना ही करना है हमने। और उसके अलावा अगर कोई इशू आपको समझ में आता है कि अगर ये दोनों इशू सॉल्व हो जाएं तो क्या इशू हो सकता है, ये आप बताइए। बट मुझे ऐसा ब्रॉडली लगता है कि लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है कि हमें बॉयकॉट करना ही करना है। बिकॉज लाल सिंह चड्ढा को तो चलो मैं समझता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि जी यार हमें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू लीव इंडिया, बट व्हाई बॉयकॉट रक्षाबंधन मुझे एक्चुअली में अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है उसके राइटर इन्वॉल्व हैं, पर बाकी सारे लोग भी तो इन्वॉल्व हैं, उनको साथ नाइंसाफी हो रही है, वो चलता नहीं अपने को, वो क्यों नाइंसाफी हो बाकियों के साथ। एनीवेज, तो आपको क्या लगता है कि मेन रीज़न क्या है कि इसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो इसका पोटेंशियल है मूवी का, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ज़रा कमेंट करके फटाफट से बताओ। बाकी हम कल फिर से मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, फिर उसके बाद तो ये रिलीज ही हो रही है 11 तारीख को, वहाँ मिलेंगे रिव्यू के साथ। बाय बाय।